प्रदेश के अमरोहा में समाजवादी पार्टी ने किसानों को अपना समर्थन देने के लिए सोमवार को पद यात्रा निकाली। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर समाजवादी नेताओं द्वारा पद यात्रा निकाली गई। अमरोहा जनपद में किसान पद यात्रा होने से पहले ही पुलिस प्रशासन ने समाजवादी पार्टी के नेताओं को नजरबंद कर दिया। पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर के कैंप कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया, लेकिन किसी तरह पुलिस प्रशासन को चकमा देकर किसान बाइक रैली निकालने के लिए सुखदेवी इंटर कॉलेज के मैदान में जा पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए मंत्री कमाल अख्तर को सैकड़ों कार्यकर्ताओं सहित हिरासत में ले लिया और कोतवाली में बैठा दिया। कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलने में लगी है। केंद्र सरकार ने 3 बिल किसानों के विरोध में पास किए हैं। आज पूरे देश का किसान विरोध प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन सरकार अपनी तानाशाही पर है। कोई पुलिस वाला, कोई अधिकारी कर्मचारी ऐसा नहीं है जिसके घर पर खेती ना होती हो, और यह असर हम सब पर पड़ने वाला है। समाजवादी पार्टी किसानों के हित की बात कर रही है और सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर अपनी आवाज उठा रही है। वही समाजवादी पार्टी के सदर विधायक महबूब अली के आवास के बाहर से ही भारी पुलिस बल तैनात रहा। अमरोहा से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। उसके बाद जो पुलिस ने जो है रोक लगाई है, प्रशासन तैनात है, क्या है? आज हम सब अमरोहा के समाजवादी साथी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर अमरोहा सदर के विधायक महबूब अली साहब के नेतृत्व में, जो दिल्ली की सरकार ने कृषि संबंधी काले कानून बनाए हैं, उनके विरोध में जोया में हम लोग एकत्रित होकर पदयात्रा निकालना चाहते थे। शांतिपूर्ण ढंग से हम लोगों का उद्देश्य है कि शांतिपूर्ण ढंग से सभी समाजवादी साथी इन काले कानूनों की वापसी के लिए राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से देना चाहते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों से डरती है, किसानों के भले की नाम पर वो किसानों पर जुल्म करना चाहती है, और जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेता अखिलेश यादव जी के निर्देश पर सिर्फ ज्ञापन सौंपना चाहते हैं, तो ऐसे में महबूब अली साहब के आवास को घेर कर पूरी तरह बंद करके वो हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर ही रही है, और इसके अलावा लोकतंत्र को कमज़ोर करने की कोशिश वो कर रहे हैं, किसानों के दुश्मन हैं, मैं ऐसा प्रतीत आज हो रहा है। ठीक, देखिए केंद्र सरकार द्वारा 3 किसानों के विरोध में बिल पास किए गए हैं, वो ऐसे बिल हैं जो किसानों को बंधुआ मजदूर बनाने के लिए एक तरह से तैयार किए गए हैं, और पूरी खेती जो है कॉरपोरेट लोगों को देने का षड्यंत्र सरकार द्वारा किया गया है। आज पूरे देश का किसान आंदोलित है, दिल्ली के अंदर किसान अपनी मांगे मंगवा रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने उनके समर्थन को देते हुए किसान बिल की जो MRP है उसको वापस लेने के लिए, और जो दूसरी इसके अंदर कंडीशन है जो किसानों के खिलाफ है उसको वापस लेने के लिए किसान आंदोलन को समर्थन में एक बाइक यात्रा हम लोगों ने आयोजित की गई है। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश के अंदर हर आदमी को सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध करने का अधिकार है, और उसी जन विरोधी नीतियों का समाजवादी पार्टी विरोध कर रही थी, लेकिन पुलिस और प्रशासन के बल पर लगातार सरकार द्वारा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है, और हालत ये है कि जितने भी हमारे कार्यकर्ता थे उनको थानों के अंदर, गांवों के अंदर बैरिकेडिंग लगाकर रोका गया, और पूरे 4-4, 5-5 बजे से पुलिस मुस्तैदी के साथ उन कार्यकर्ताओं के साथ मिसबिहेव कर रही है और उनको नज़रबंद करने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी किसानों के खिलाफ जो बिल है उसको वापस लेने की मांग करती है, अपना समर्थन किसानों को देती है, और जो पुलिस के बल पर सरकार चल रही है, जो एक विपक्ष की आवाज़ दबाने की साजिश है, उसका भी हम विरोध करते हैं। जिस तरह से माननीय अखिलेश यादव जी को नज़रबंद करने का काम किया, समाजवादी पार्टी के नेताओं को काम किया, समाजवादी पार्टी जनहित के लिए हमेशा संघर्ष करती रही है और हमेशा संघर्ष करती रहेगी। हम लोगों को जेल जाना पड़े, हम लोगों को गोलियाँ खानी पड़े, लाठी खाना पड़े, समाजवादी पार्टी जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ती रहेगी। आज सरकार के जो किसान हैं,
किसानों का करोड़ों रुपया चीनी मिलों के ऊपर बकाया है, लेकिन एक भी सरकार चीनी मिलों का पैसा किसानों को देने के तैयार नहीं है। और उधर बिजली विभाग द्वारा लगातार किसानों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, लगातार गरीबों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, लगातार जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो मजलूम लोग हैं, जिनके पास लॉकडाउन के अंदर मजदूरी के अलावा कोई साधन नहीं था, जिनके कारोबार तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, उनके ऊपर दो दो लाख रुपए, तीन तीन लाख रुपए की रिकवरी कराकर उनके जो थाना खोला गया है, पुलिस के जो लूट केंद्र बनाया गया है बिजली थानों के नाम से, उन थानों के अंदर उनके खिलाफ़ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी इनका विरोध करती है और संघर्ष करती है और संघर्ष करती रहेगी। और आज जिस तरह से तानाशाही रवैये से प्रशासन द्वारा हमारी बाइक रैली को और पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के इस आंदोलन को, किसानों के समर्थन को के आंदोलन को रोका गया है, वो निंदनीय है। हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं और अधिकारियों से ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि यहाँ पर कोई पुलिस वाला अधिकारी या कोई भी जो अधिकारी है वो ऐसा नहीं है जिसके घर में खेती नहीं होती हो। ये अकेले हम समाजवादी पार्टी नहीं, बल्कि पूरे देश के हर किसान परिवार से लोग, जो इस देश की अर्थव्यवस्था चलाने वाला है, उनके ऊपर असर पड़ने वाला है। क्या मंत्री जी, गिरफ्तारी में बलप्रयोग भी किया गया पुलिस द्वारा? जिस तरह से मिसबिहेव किया गया अधिकारियों द्वारा, मैं कह रहा हूँ वो निंदनीय है। भाई कोई आदमी लोकतंत्र में जो तरीका है, बाबा साहब के संविधान ने जो हमें अधिकार दिए हैं, हम शांतिपूर्ण अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, हम शांतिपूर्ण अपने विरोध जता सकते हैं। लेकिन आज किसान यूनियन के ऊपर 144 लागू नहीं होगी। किसान संघ जो बीजेपी का दलाल है, संघ है जो बीजेपी के अंतर्गत काम करता है, जो विपक्ष की भूमिका को ख़त्म कर रहा है, उसके लिए सारी छूट है। अभी हरि सिंह ढिल्लो जी जीते, 2000 का जल्लूस, उसके ऊपर छूट है। यहाँ पर अभी चुनाव हुआ, 2000 की मीटिंगें भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने, माननीय मुख्यमंत्री जी की मीटिंग, खुद की मीटिंग, 5000-10000 की मीटिंग हुई, उसके ऊपर दबाव 44 लागू नहीं थी, कोविड नहीं थी। लेकिन समाजवादी पार्टी के 500,000 कार्यकर्ताओं के ऊपर कोविड भी लागू होता है, 144 भी लागू होती है। ये विपक्ष की आवाज़ दबाने का षड्यंत्र है। समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है और विरोध करती रहेगी। खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.